देश की सोशल और बिजनेस लीडरशिप को हमेशा प्रेरित करने वाले ऊर्जा देने वाले श्रीमान रतन टाटा जी और उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान चंद्रशेखर जी बहन रूपा जी देवी और सज्जनों रतन टाटा जी चंद्रशेखर जी से मिलना उनके साथ चर्चा करना बहुत कुछ नए नए सुझाव सुनना ये कई सालों से मुझे लाभ मिलता रहा है इन पर देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक को लीडरशिप देने की जिम्मेदारी भी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद स्माइल और स्ट्रेस फ्री ये कैसे रहते हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में है। इस पर भी कोई किताब चंद्रशेखर जी लिखेंगे <laughs> और हाँ यस इस आइडिया का को कोई मेरा तो पैटर्न नहीं है इसलिए आप जरूर लिख सकते हैं आप बिना किसी स्ट्रेस से ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं साथियों वो किताब लिखेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता लेकिन स्माइल और स्ट्रेस फ्री माइंड से क्या होता है उसका परिणाम ब्रिजिटल नेशन के रूप में हमारे सामने है पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट देश की समस्याओं के समाधान के लिए जो सोच निकलती है उसी का ये परिणाम है यही पॉजिटिविटी यही ऑप्टिमिज्म अपने टैलेंट और रिसोर्सेज पर जो विश्वास है और वो ही नए भारत की मजबूत नींव को नई आशा नई ऊर्जा देता है और मुझे विश्वास है कि एस्पिरेशनल इंडिया को तो इंस्पायर करेगी ही समाज के कुछ प्रोफेशनल स्ट जो रहते हैं हो सकता है उनको तो ये किताब पहुंचानी चाहिए और नए आउटलुक के लिए वो जरूर उनको प्रोत्साहित करेगी मैं चंद्रशेखर जी और रूपा जी को इस विजनरी डॉक्यूमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों ये किताब ऐसे समय आई है जब टेक्नोलॉजी को डिमोनाइज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है डर का एक माहौल खड़ा करने का प्रयास हो रहा है और विशेष तौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए चुनौती के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है इस किताब में सरकार के उस विजन को और मजबूत किया है जिसके मुताबिक टेक्नोलॉजी जोड़ने का काम करती है तोड़ने का काम नहीं करती है टेक्नोलॉजी एक ब्रिज है डिवाइडर नहीं है टेक्नोलॉजी और टैलेंट फोर्स मल्टीप्लायर है यह थ्रेट नहीं है टेक्नोलॉजी एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स के बीच ब्रिज बनाती है टेक्नोलॉजी डिमांड और डिलीवरी के बीच एक बहुत बड़ा मजबूत ब्रिज है टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का भी ब्रिज है टेक्नोलॉजी सबके साथ सबका विकास ये जो सपना है उसको साकार करना एक मजबूत माध्यम है साथ ही यही भावना बीते पांच वर्ष के हमारे कार्यकाल में रही है और यही भविष्य के लिए हमारी अप्रोच है इस किताब में बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रोबोटिक्स जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसे डेवलपमेंट के टूल के रूप में एड के रूप में मदद करने वाली है यही बात अपने अनुभवों के आधार पर भी मैं कह सकता हूं बीते पांच वर्षों में टेक्नोलॉजीकर इंटरवेंशन से भारत में गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है इसको आप भी महसूस कर पा रहे हैं यह सब कैसे हो पा रहा है इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं साथियों हमारे देश में एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना सब्सिडी देने का काम दशकों से चल रहा है ये कोई हमने आकर के शुरू किया ऐसा नहीं है चल रहा है लेकिन जब हमने उज्जवला योजना को लॉन्च किया तो कई लोगों को लगा कि शायद ये भी वैसी ही योजना होगी ये चलेगी सरकारें बदलेगी नेता बदलेगी योजनाएं चलती रहेगी लेकिन हमने उस ढर्रे को बदला उस सोच को बदला हमने अप्रोच भी बदला और इसमें हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया साथियों हम पहले की तरह चलते तो क्या करते हैं एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी फिर एक टास्क फोर्स बनाती है टास्क फोर्स एक नया जॉइंट कमेटी बनाती है फिर नीचे वाला ऊपर को रिपोर्ट देता ऊपर वाला नीचे को रिपोर्ट देता फिर ऊपर वाला नीचे रिपोर्ट को चेक कंडक्ट दे देता <laughs> अने और कभी डेडलाइन को हम मीट नहीं कर पाते लेकिन कमेटी के बजाय हमने टेक्नोलॉजी वाली अप्रोच पर भरोसा दिया डेटा इंटेलिजेंस की मदद से पहले हमने सेवनटीन मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को लोकेट किया और फिर टेन थाउजेंड नए सेंटर्स बहुत काम कम समय में हमने तैयार किए और मैं उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करता हूं लोकेशन को आइडेंटिफाई करना उसको वहां डेंसिटी कितनी है उस सारी चीजों को उसके साथ जोड़ते हैं और इसके लिए हमने देश के हर गांव को एक डिजिटल मैप किया इस डेटा को दूसरे डेटा पॉइंट जैसे सेल रिपोर्ट एलपीजी पेनिट्रेशन पॉपुलेशन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस यानी सबको उसको एनालाइज टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास किया लाखों गांवों से करीब करीब 64 फोर डायवर्स डाइवर्स डेटा पॉइंट्स के एनालिसिस के आधार पर तय किया गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां कहां होने चाहिए लेकिन हमारा काम यही खत्म नहीं हुआ एक और बड़ी समस्या थी जिसका समाधान टेक्नोलॉजी ने दिया डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के दौरान पता चला कि बहुत सी महिलाओं के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है क्योंकि और सिंपल सा कारण था कि इनके पास बैंक अकाउंट नहीं था अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ तो तुरंत भरना पता चलता कोई भी शायद पार्लियामेंट में कोई सवाल पूछता तो फिर सब बात उठती अच्छा यहाँ वहां मिला नहीं है ये टेक्नोलॉजी के द्वारा तुरंत पता है तो प्रॉब्लम क्या है इस समस्या से निपटने के लिए हमने बैंकों की मदद से जनधन के बिल्कुल सार्वजनिक बड़े बड़े कैंप लगाए और ऐसी महिलाओं को उस वहां ले आया गया जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे बैंक अकाउंट खोले गए और जिसके द्वारा उनको एलपीजी सब्सिडी की व्यवस्था की गई और परिणाम ये हुआ कि हमने तीन साल में आठ करोड़ परिवारों तक नए कनेक्शन देने का जो लक्ष्य रखा था उसको हमने डेड से काफी पहले ही पूरा कर दिया साथियों तो बात हुई टेक्नोलॉजी के एक्सेस बढ़ाने की अब मैं एक्सेस से बिहेवियरल चेंज लाने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है इसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूं देश में हेल्थ केयर की स्थिति पर आपकी किताब में रोशनी डाली गई है काफी उदाहरण आपने हेल्थ केयर सेक्टर में जो जो गाँव के लोग करते हैं उसका आपने वर्णन किया है खास तौर तो पर इलाज ना कराने का मेंटल ब्लॉक जो हमारे देश में गरीबी के कारण रहा है पैसे के अभाव के कारण रहा है हर माँ बाप सोचता है बेटे को कर्ज में क्यों डालूं? ये बोझ बेटों को क्या डालूं? मैं बीमारी झेल लूंगा कहाँ जिंदा रहना है ये हमारे यहाँ बुजुर्गों की साइकोलॉजी है बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है खुद की नहीं होती और इसलिए वो बीमारी का उपचार भी नहीं करते थे आयुष्मान भारत योजना स्थिति को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है पहले जो गरीबी चिंता में इलाज करने से कतरा था कि उसका सब कुछ बिक जाएगा गिरवी रखना पड़ेगा आज वो हिम्मत के साथ अस्पताल जाने लगा है क्योंकि उसको मालूम है कहीं से पेमेंट की व्यवस्था होने वाली है। वो गरीब जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के दरवाजे पर दस्तक देने से भी चकता था उसने आज ये एक्सेस मिला है आज स्थिति यह है कि गरीबों में बिहेवियरल चेंज भी आया है मेडिकल सेवाओं की डिमांड भी बढ़ी है गरीबों का इलाज भी हो रहा है और अस्पतालों को सरकार से पैसा भी पहुंच रहा है और ये भी अगर संभव हो पाया है हो रहा है तो उसका कारण भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग है साथ इसी टेक्नोलॉजी से आयुष्मान भारत को हेल्थ केयर के कंप्लीट पैकेज के तौर पर विकसित कर रहे हैं पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस होता ही नहीं था प्राइमरी हेल्थ केयर सिर्फ सिर दर्द हो पेट में दर्द हो बुखार हो वहीं पर टर्शरी हेल्थ केयर की जो सारी व्यवस्थाएं थी वो वहां तक सीमित थी अब इसके लिए पूरे देश में डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं और उनकी टर्सरी हेल्थ केयर के बेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है बहुत ही कम समय में अब तक 21,000 से ज्यादा ऐसे सेंटर तैयार भी हो चुके हैं आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम समय में इन सेंटर्स पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन, टेंशन सवा करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों के कैंसर केस डायग्निज हो चुके हैं जो पहले शायद कभी कोई सोच सकता था कि हो सकता है हिंदुस्तान के दूर सुदूर गांवों में पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में यह संभव बिल्कुल नहीं था अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही यह केस आगे रेफर किया जाता है बड़ी हॉस्पिटल में भेजा जाता है और टर्सरी हेल्थ केयर नेटवर्क में वहां के डेटा के आधार पर सीधा और तेज इलाज संभव होने की शुरुआत हुई साथियों टेक्नोलॉजी जब ब्रिज बनती है तो हमें ट्रांसपेरेंसी और टारगेटेड डिलीवरी का भी समाधान मिलता है भारत में बिचौलियों और दलालों का क्या रोल था इससे आप भली भांति परिचित हैं गवर्नमेंट्स रन द कंट्री मिडिलमैन रन द गवर्नेंस और इसको हमने एक रूल मान लिया था यानी जैसे हमारे कल्चर का हिस्सा बना लिया था और इसलिए होता था क्या कि पीपल और प्रोसेस के बीच एक बहुत बड़ा गैप था खाई थी बर्थ से लेकर डेट तक सर्टिफिकेशन की एक लंबी व्यवस्था थी जिसमें सामान्य मानवी पिसता रहता था आज जन्म से लेकर जीवन प्रमाण तक ऐसी सैकड़ों सरकारी योजना आज ऑनलाइन अवेलेबल है और ढाई लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर देश में ये सेवाएं गांव में दे रहे हैं आप सेल्फ सर्टिफिकेशन देश में नॉर्म बन रहा है अब हम सेल्फ एसेसमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन और फेसलेस टेस्ट असेसमेंट जैसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब ड्यू टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलता है इसका एक और उदाहरण आप देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारी पोस्ट ऑफिस सेवा पर मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते प्रसार की वजह से एक खतरा मन रहा था, था ये पोस्ट का इतना बड़ा नेटवर्क क्या होगा इसका इतने सारे लोग इनकी रोजी रोटी का क्या होगा उनके रोजगार पर संकट था और इतने सालों से एस्टेब्लिश इतना बड़ा व्यवस्था चरमरा जाएगी हमने उसको गंभीरता से सोचा और टेक्नोलॉजी की मदद ली और टेक्नोलॉजी का कारण है कि आज वो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विस की डिजिटल ट्रांजैक्शन की होम डिलीवरी के सेंटर बन रहे हैं जी हमारा डाकिया बैंक बाबू बन रहा है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और मैं मानता हूं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये जो बैंकिंग व्यवस्था है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है और जिस पर हम बल दे रहे हैं ये, ये दिल्ली के लुटियन सरकार में नजर नहीं आएगा ये कुछ कहीं और की दुनिया है और उसको वहां तक पहुंचना भी शायद एक दो पीढ़ी यहां के लोगों को तो निकल जाएगी और इसी तरह गांव गांव में ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी देना वाला कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क 12 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार दे रहा है और ये गांव के नौजवान डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं यानी हमारे टैलेंट को हम कम ना आके साथियों एंटरप्राइज स्पिरिट को एमएसएमई को मजबूत करने और उनके जॉब क्रिएशन के अहम सेंटर बनाने के लिए जो भी सुझाव किताब में दिए गए हैं उससे भी मैं मोटे तौर पर सहमत हूं क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें ये कोई बड़ी थियरी और बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें नहीं है सामान्य जीवन के अनुभवों से बनी हुई किताब है यहां आने वाले साइलोस को दूर करने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक प्रोक्रमेंट के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम इसके बारे में अब धीरे 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 लोग जानने लगे हैं ये सरकार की डिमांड और एमएसएमई के सप्लाई इकोसिस्टम के बीच ब्रिज बना हुआ इस सिस्टम की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल इसके माध्यम से करीब पचास हजार करोड़ रुपए की खरीदारी का टारगेट भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट ने रखा है इतनी ट्रांसपेरेंसी है इसमें और इतनी कम खर्चे में यह काम चल रहा है साथियों इसी तरह स्टार्टअप इंडिया लोकल डिमांड और सप्लाई को तो मेक इन इंडिया लोकल सप्लाई और ग्लोबल डिमांड को ब्रिज कर रहा है आपने इस किताब में डिमांड और सप्लाई समस्याओं पर बहुत बारीकी से समझाया है स्टार्टअप इंडिया भी इन्हीं समस्याओं को डील कर रहा है भारत के जो चैलेंजेस है उनको सामने रखते हुए आइडियाज को इंक्रीब्यूट कर इंडस्ट्री में बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयास है आइडियाज होते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम मदद नहीं करती इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होते हैं इंक्यूबेशन सेंटर है तो उसको एन स्केलेबल वे में मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं मिल जाती है इन सारी समस्याओं का समाधान और यही कारण है कि आज अधिक स्टार्टअप और ये देश के लिए बड़ी खुशी की बात है टीयर टू और टीयर थ्री सिटी में उसकी बड़ी जाल तैयार हो रही है यानी टीयर टू टीयर थ्री सिटी जिसकी तरफ कभी नजर नहीं जाती थी वो आज स्टार्टअप के लिए नए नौजवान आगे आ रहे हैं और नया इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है और इन सभी बातों के बीच ये भी सही है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी समाधान नहीं होती है ह्यूमन इंटेंशन और राइट right इंटेंशन अब बहुत बहुत जरूरी होता है और यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू होती है डिबेट यह नहीं होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा क्या है हकीकत है कि डिबेट यह होनी चाहिए रोबोट इंसान से स्मार्ट कब तक होगा यह चैलेंज होनी चाहिए बल्कि डिबेट यह होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेंशंस इन, इन, के बीच हम ब्रिज कैसे बनाए संघर्ष नहीं एक दूसरे को विनाश करने के लिए नहीं हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगी हम ब्रिज बनाने के रास्ते कैसे ढूंढे और अपनी स्किल्स को नई डिमांड के अनुसार अपग्रेड कैसे करें लेट ए आई बी जस्ट अनदर गाइड विच इज अ लीटर मोर सोफिस्टिकेटेड कहने को बहुत कुछ है लेकिन अन्य लोगों को किताब पढ़ने के लिए भी मुझे समय देना है <laughs> एक बार फिर इस बेहतरीन किताब के लिए और जब एक, एक क्लास हैं जो डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी इंटेलिजेंस परेशान है उनको शायद एक नया खाना पानी मिल जाएगा इससे मैं फिर एक बार रतन जी आप आए मैं आपका स्वागत करता हूं चंद्रशेखर जी और रूपा जी को बधाई देता हूं इस योगदान के लिए और आप सबका स्वागत करते हुए मेरी बात को पूर्ण करता हूं धन्यवाद मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री को पुस्तक का विमोचन करने के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री रतन टाटा और सभी सम्मानित अतिथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस पुस्तक के विचार व्यवहारिक और उपयोगी लगेगी थैंक यू सो मच